सीएम साहब जब भी गुजरात में आते हैं तब कुछ न कुछ गुजरात के लिए बड़े तोहफे रहते ही हैं। 25 तारीख को राजकोट की भूमि पर आ रहे हैं, सौराष्ट्र की भूमि पर आ रहे हैं, तो उस दिन भी देश और गुजरात को करीबन 48,000 करोड़ से ज्यादा रकम की धनराशि वाली योजनाओं परियोजनाओं का खात मुहूर्त लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। उसमें से करीबन गुजरात को सीधे सीधा डायरेक्ट बेनिफिट है, ऐसे करीब 35,000 करोड़ के आसपास के कामों जो गुजरात को लाभ होने वाले हैं। और साथ में बहुत बड़ी बात, बहुत सालों से बरसों से हम जिसकी इच्छा कर रहे थे एम्स की, वो राजकोट को मिली थी और अभी वो कार्यान्वित तो हो गई थी, लेकिन 250 बेड वाली हॉस्पिटल चालू भी हो जाएगी और साथ में मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज भी वहां पर अवेलेबल होगी, साथ में इंडोर फैसिलिटी, जो भी जो फैसिलिटी है सब वहां पर उस दिन 25 तारीख को वो कार्यान्वित हो जाएगी। उसके हिसाब से जो वैश्विक कक्षा की जो सारवार है वो वहां पर हमें गुजरात की भूमि पर मिल जाएगी, ऐसा बड़ा काम भी हो रहा है। और साथ में मैंने आपको बताया कि 48,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ इतने काम है कि जो सीधे सीधा गुजरात को, डायरेक्ट गुजरात को बेनिफिट मिलता है। हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, जब भी मोदी साहब दिल्ली से गुजरात में आते हैं तो बहुत बड़े तोहफे गुजरात के लिए लेके आते हैं और हजारों करोड़ के काम हमारे गुजरात को गिफ्ट में मिलते हैं।